जैसी वर्कशॉप में हूँ, लाउंजी में बैठा हुआ हूँ और गाड़ी जो है जो भी थोड़े बहुत काम थे वो हो जाएंगे और 2 या 3 घंटे में जो है मिल जाएगी गाड़ी। मेरा एक्सपीरियंस सही रहा, अच्छी तरह से अटेंड किया उन्होंने, जो जो चैलेंजेस थे उन्होंने सुने, जो रिजॉल्व करने थे उन्होंने बोल दिया कि सर रिजॉल्व हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं इसके बाद, फिर बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा तो भाई पूरा। गाड़ी अपनी हो गई रेडी, भैया कर रहे हैं साफ और अभी से लेके चलेंगे थोड़ी देर में, पता 15-20 मिनट में चकाचक हो गई है। इंजन गार्ड लगवाया था वो चेक कर लेता हूँ मैं, अगर यहाँ पे इन्होंने फोम लगाई है नहीं लगाई। गुड इवनिंग गाइस, पीके बैक अगेन विद एन अपडेट ऑन रीनो काइगर्स फर्स्ट सर्विस एंड इंजन प्रोटेक्शन गार्ड की जो मैं इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर रहा था इससे पुराने वीडियोस में आपको, तो वो डन हो गई है। गाड़ी चली है अभी 1556 किलोमीटर, 2000 पे होती है ड्यू, बट मैंने सोचा कि यार पहले ही करा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास फिर पता नहीं टाइम हो या ना हो। और अब जो नेक्स्ट सर्विस होगी वो 10,000 किलोमीटर्स या 1 ईयर कंप्लीट होने पे होगी। अब बात करेंगे कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेरे को रीनो से फ़ोन आया कि सर आपकी फ़र्स्ट चेकअप सर्विस ड्यू है, आप कब करवाओगे? तो मैंने देखा कि यार टाइम अवेलेबल है, मैं करा लेता हूँ। तो मैंने मंडे यानी कल जो है 28 फरवरी को, आप टाइम भी देख सकते हो, 1 मार्च 2022 और टाइम हो रहा है 5:08 शाम के, तो मैं गया सर्विस स्टेशन, उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी। और जैसे ही मैंने स्टेप इन किया मैंने बताया कि ये मेरा नाम है, मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो उन्होंने मुझे वेलकम किया। मुझे जो कस्टमर लाउंजी थी मैं मुझे वहाँ बिठाया, उन्होंने मुझे पानी और कॉफ़ी के बारे में पूछा जो मुझे नहीं पीना था, बट उन्होंने पूछा, उनका जो गेस्चर था बढ़िया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक सेल्समैन बोल दो या वर्कशॉप में जो काम करता है वो बंदे को असाइन किया। फिर मैं उसके पास गया, उसके केबिन में मुझे लेके गए गए वो। फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे से पूछा कि कुछ चैलेंजेस आए गाड़ी में, जो जितने भी चैलेंजेस थे मैंने वो बताए और वो सारे चैलेंजेस अब रिजॉल्व हो चुके हैं। दोनों डोर्स में आवाज़ आ रही थी, इधर भी इधर भी, वो दोनों की जो है रैटलिंग नॉइज़ थी थोड़ी सी, वो रफ़ पैचेस में होती थी, प्लेन रोड पे नहीं थी, तो वो दोनों रिकवर हो गई हैं। और ब्रेक पैड के बारे में जिसके बारे में मैं बताया था वो भी रिजॉल्व हो गया है, अब ब्रेक में से कोई आवाज़ नहीं आ रही। और इंजन गार्ड, इंजन प्रोटेक्शन गार्ड मैंने लगवा लिया है। ये क्योंकि मैं वीडियो दूसरे दिन बना रहा हूँ, तो पुराना वीडियो जो मैंने क्लिप बनाई है वो इस जो ये मैं अभी शेयर कर रहा हूँ इसके बाद मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में, आप वो देख लेना, जो उन्होंने मैकेनिक ने वो इंस्टॉल किया था। तो प्रोटेक्शन गार्ड मैंने लगवा लिया, इंजन प्रोटेक्शन गार्ड, उसकी कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे। और मेरे एक्सपीरियंस अगर मैं दूँ 10 में से स्कोर करना हो तो 9 out of 10 दूंगा, रीज़न बींग कि देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मैं 9 दूंगा out of 10 इन टर्म्स ऑफ उनकी हैंडलिंग और जो साफ़ सफाई और जो भी मेरे चैलेंजेस थे वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कि मेरे को सर्विस कॉस्ट जो थी कितनी आई, ताकि आपके भी डाउट क्लियर हो सकें। बहुत से बंदे जिनको रहता है कि रीनो की गाड़ी हाई मेंटेनेंस होती हैं या पोस्ट सेल सर्विस अच्छी नहीं होती, तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाल के बता देना, ताकि हम मुझे भी पता चल सके। तो भाई न्यू इंजन गार्ड फिक्स, दूर से बनाओ ना, दूर से। हाँ एक बार बना दी, इसमें जो नटोगे इसमें जो ना आज अभी छोड़ गया, ले बग गए और लग गया तुरंत आगे। हाँ बस, हाँ चलो, गाड़ी खराब है तेरी, हर कर गई उधर का टाइप ना करा। ओके डन, दिस इज इंजन गार्ड। तो ये
इनवॉइस जो मुझे वहाँ से मिली, यहाँ पे मॉडल नंबर मिल रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, किलोमीटर कितनी चली हुई थी और जो भी इनकी डिटेल्स हैं इनवॉइस डिटेल राइट साइड में, जो इन्होंने प्रोडक्ट चेंज किया वो सब, पेमेंट मोड बता दिया 3225। और 3225 आप बोलोगे यार फर्स्ट सर्विस थी इतना पैसा क्यों, 225 रुपीज़ इनका जो चार्जेस था जो फर्स्ट चेकअप सर्विस का, और उसमें क्या होता है उसमें जो भी आपका फ्यूल्स जो टॉप अप होता है वो कर देते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं उनको रिजॉल्व कर देते हैं। और ये 3000 जो है 3000 है इंजन प्रोटेक्शन गार्ड का, इंजन प्रोटेक्शन गार्ड जो मैंने लगवाया है तो उसका 3000 रुपीज़ है। तो यहाँ यार आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, पेड थी और यूनिट प्राइस था 2335 रुपीज़ 95 पैसा ये उसका था, आप जो अंडरनीथ मैंने इंजन प्रोटेक्शन गार्ड लगाया उसका, फिर GST मिला के और जो भी चार्ज मिला के 2999 रुपीज़ हो गया। ये पेड जो चार्जेस थे ये सब वारंटी में थे, इसमें लिखा हुआ जॉब वैल्यू 450 199, GST मिला के ये 234.82। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आप में, आप पढ़ सकते हो उसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें थी भाई, चैलेंजेस था बहुत से बंदों का, मैं आपको बता देता हूँ, बाहर लेके चलता हूँ पहले और आपको बताता हूँ जो बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे और कई बंदों का चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ पे फेंडर लाइन नहीं होती इधर इस साइड में, आपको शायद पता नहीं दिखे या ना दिखे, मैं आपको दूसरी साइड से लेके चलता हूँ, यहाँ से शायद आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ फेंडर लाइन नहीं होती इसमें, तो बहुत बंदों के चैलेंजेस थे कि यार जब वो मड में या उसमें ड्राइव करते हैं तो जो पीछे जो आप डस्ट है या जो भी कीचड़ है वो यहाँ पे नज़र आता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ का सॉल्यूशन मिल गया है, उन्होंने एक रबड़ टाइप का कुछ होता है वो उन्होंने यहाँ लगा दिया है इसमें, इसमें पीछे की तरफ यहाँ और यहाँ दोनों तरफ लगा दिया। तो अब जो वो मड प्रॉब्लम थी, मड का जो सॉल्यूशन निकाल दिया उन्होंने, तो अब होगा नहीं। मेरी GM से बात हुई थी, GM ने बोला कहते हैं कि यार ये जो इनका इंजीनियरिंग स्टाइल है ना वो काफ़ी सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है, तो इसमें ना तो सेंसर में डैमेज होगा और ना ही लाइट्स में डैमेज होगा। बट हाँ, लाइट का उन्होंने बोला कि इसका जो है सब्सटीट्यूट आ गया हमारे पास इसको रिजॉल्व करने का, तो उन्होंने अंदर की तरफ से एक फोमिंग पैड लगाई है दोनों साइड में। तो धुलने के बाद तुम्हारे भाई की गाड़ी दिख रही है ऐसी, इधर से दिखाता हूँ थोड़ी सनलाइट आए, तो भाई की गाड़ी दिख रही है तो कुछ ऐसी धुलने के बाद। और पैसे मैंने आपको बता ही दिए, मेरे जितने भी चैलेंजेस थे उन्होंने रिजॉल्व कर दिए। इससे आगे वाली क्लिप में आप देखना क्या कहते हैं कि इंस्टॉलेशन जो है इंजन गार्ड की कैसे होती है, कैसे उन्होंने की। तो वीडियो को करते हैं भाई यहीं पर एंड, और जो भी बंदे भाई मेरी फैमिली में नए जुड़ रहे हैं उन सभी का थैंक यू वेरी मच, जो वीडियो पर पहली बार आ रहे भाई वीडियो को, अगर आपको पसंद आ रहा तो वीडियो कर देना लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, और अगर कुछ भी क्वेरी हो रीनो काइगर या किसी भी कार से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो, कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाना है तो मुझे डिमांड कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपकी जो है पूरा रिगार्ड करूँगा और मैं वीडियो बनाऊँगा। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।